Hello everyone, this is CA Samiksha Sethia and this video is for all those CA intermediate students who are going to give their examinations in November 19 or future examination terms. So, in वीडियो में मैं आपके साथ जो मई 19 का इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का पेपर था इंस्टीट्यूट का वही पूरा डिस्कस करने वाली हूँ. यू ऑल नो कि एग्ज़ाम देने से पहले पास्ट पेपर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. उससे आपको पेपर की पैटर्न समझ में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं ये भी समझ में आता है. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ. साथ ही मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन के तरीके भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए इन दी एग्जामिनेशन. सो लेट अस क्विकली स्टार्ट गाइज. आपको पता होगा कि आपके इकोनॉमिक्स में चार यूनिट्स हैं, चार चैप्टर्स है बेसिकली और कई सारे यूनिट्स हैं उनके अंदर में. चार चैप्टर्स जो हैं वो नेशनल इनकम है, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड है एंड वी हैव सेवरल यूनिट्स इनसाइड दीज चैप्टर्स. तो मैंने एक एनालिसिस बनाया मई 19 के पेपर का कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए एंड व्हाट वाज द वेटेज ऑफ ईच पर्टिकुलर चैप्टर. तो अगर आप देखो गाइस, टोटल पेपर जो है इट वॉज सेट फॉर 52 मार्क्स एंड यू हैड टू अटेम्प्ट फॉर 40 मार्क्स. 60 मार्क्स इज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड 40 मार्क्स इज फॉर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. तो 52 में से आपको लिखना था 40 मार्क्स का, या आपका जो भी एग्जामिनेशन टर्म आएगा उसमें 52 मार्क्स का पेपर इकोनॉमिक्स का आएगा जिसमें आप लिखोगे 40 मार्क्स का, राइट. और अगर आप देखो तो हर एक चैप्टर का जो वेटेज है इट इज अराउंड 12 टू 15 मार्क्स. सो नो चैप्टर इज लेस इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट, सो टू से. अगर आप चैप्टर्स की बात करो, यूनिट्स के अंदर की हम बात करें, तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम जो पहला यूनिट है उससे तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे. टू वर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. एक था आउटपुट कंप्यूटेशन के ऊपर, इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना था एंड दूसरा वॉज ऑन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम वाया द एक्सपेंडिचर मेथड, फॉलोइंग द एक्सपेंडिचर मेथड एंड अनदर वन वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल थियोरिटिकल क्वेश्चन. केनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से देर वॉज वन क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी था. पब्लिक फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फिस्कल फंक्शन से एक क्वेश्चन था. ऑफकोर्स दिस इज अ टोटल थियोरिटिकल चैप्टर तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी नहीं थे. मार्केट फेलियर से दो क्वेश्चन थे 2+2 मार्क्स के. गवर्नमेंट इंटरवेंशन से मई 19 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. सो दिस वॉज वन चैप्टर जिससे, दिस वॉज वन यूनिट जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था. फिस्कल पॉलिसी से अगेन देर वर टू क्वेश्चन 3+2. मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड से देर वर टू क्वेश्चन 3+3. मनी सप्लाई से अगेन टू क्वेश्चन 3+2, बोथ वर न्यूमेरिकल्स. एक था आपका कैलकुलेशन ऑफ M1 के ऊपर और दूसरा क्रेडिट मल्टीप्लायर की कैलकुलेशन पे एक क्वेश्चन था, राइट. इंटरनेशनल ट्रेड से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आए टोटल, जिसमें थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के दो क्वेश्चंस थे 3+3 मार्क्स के. इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी से एक क्वेश्चन, सिंपल मिक्स्ड टैरिफ क्या होता है ये पूछा गया. ट्रेड नेगोसिएशन अगेन अ चैप्टर विच वॉज अनटच्ड इन द मे 2019 पेपर, बट नेवर अज्यूम कि ये उस वक्त नहीं आया तो अभी भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. ऑल दी चैप्टर्स, ऑल द यूनिट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. एक्सचेंज रेट से दो क्वेश्चन पूछे गए 2+3 मार्क्स एंड इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट से देर वॉज वन क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. सो दिस इज द ओवरऑल वेटेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड यूनिट्स. अभी हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पेपर में. मैम क्वेश्चन कैसे आए थे एग्जाम में? तो गाइस सी, दिस इज द पेपर. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपल्सरी एंड एनी 3 फ्रॉम द रेस्ट. सो टोटल 5 क्वेश्चंस आर देयर जिसमें से 7 नंबर आपको कंपलसरी करना है और उसके बाद 3 आप कर सकते हो आउट ऑफ द गिवन 4. बट क्वेश्चन तो बोला है एक, बस के सब पार्ट्स कई सारे हैं. आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में जो पेपर आता है उसमें 2-3 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लॉन्ग आंसर्स नहीं आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कई सारे आते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन स्पीड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट. सो लेट अस क्विकली स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन जो था इसमें आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है. आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया है, इन्वेस्टमेंट्स दिया है एंड नेट इम्पोर्ट्स, माइंड इट, नेट इम्पोर्ट्स आपको दिया है. सो वी ऑल नो गाइस दैट इक्विलिब्रियम वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स. एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट्स. सो एट इक्विलिब्रियम वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. नाउ सी इज गिवन, I is also given, there is no G, government expenditure नहीं दिया, तो G को हम zero ले लेंगे. And this X minus M, which is net exports, but question में दिया है net imports. So X minus M, अगर net exports को हम add करते हैं, तो net imports को, that is M minus X को हम deduct करेंगे. So basically what you have to do, आपको करना है Y is equal to
300 plus 0.75y plus investments, that is 800. We don't have any government expenditure, so we take it as 0 and minus 100. So this was the trick involved in the question. Agar aap ye pakad lete ho, to you get a 3 on a 3. Theek hai? Simple question tha. Next question is, explain depreciation and appreciation of home currency under floating exchange rate system. So depreciation kya hota hai guys? Depreciation is decrease in the value of home currency in terms of foreign currency. Or you can say increase in the price of home currency in terms of foreign currency. Say for example, agar dollar ki rate rupee per dollar was initially, say rupee per dollar was 65, and then rupee per dollar becomes 70. What does this mean? Pehle aapko dollar, ek dollar khareedne ke liye you had to pay 65 rupees only. Abhi agar ek dollar khareedna aapko 70 rupees dene padenge. That means the price of rupee in terms of dollar has increased. Or we can say rupee ki jo value hai in terms of dollars, it has decreased. So both way aap likh sakte ho ki value decrease ho jati hai home currency ki ya fir uska price jo hai wo increase ho jata hai. This is depreciation, and again appreciation is the total opposite. Increase in the value of home currency in terms of domestic currency, in terms of foreign currency, or you can say decrease in the price of the home currency in terms of the foreign currency. So I think you should explain the terms and also give one example, one suitable example for this. Then we have question number C, computation of M1. Ye money supply se aapko pucha gaya hai, M1 compute karna hai. So guys, M1 mein kya kya components aate hain? We have currency with public in M1. Time deposits with bank is not part of M1. Demand deposits with bank again will be included. Post office saving deposit not to be included. And then other deposits with RBI, other deposits with RBI also to be included. Right? So currency with public aapko lena tha, aapko demand deposits ko lena tha, aur other deposits with RBI ko lena tha. Next question, again a theoretical one. Define market power and what are its disadvantages. So market power kya hoti hai guys? It is one of the causes of market failure. If a monopolist has market power, the firm has power to increase the price profitably above its average cost. अगर कोई firm अपना average cost को average cost के ऊपर price को charge कर रहा है, तो उसके पास एक market power है. Now इससे क्या होते हैं disadvantages? इसके क्या होंगे कि it might be कि monopolist जो है वो production ही कम कर दे. Production कम करेगा, supply कम होगी, तो automatically price बढ़ेगा. So there might be under production of certain goods and over production of certain goods. तो इससे efficiency economy में नहीं रहेगी. या ये भी हो सकता है कि किसी particular goods और services का market ही नहीं है, क्योंकि जो market power जिनके पास है वो प्रोडक्शन ही नहीं करना चाह रहे हैं, या वो सर्विसेज ही नहीं रेंडर करना चाह रहे हैं. सो देयर माइट बी अ केस ऑफ एब्सेंस ऑफ मार्केट आल्सो. सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट पावर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन नेशनल इनकम. वी हैव टू कंप्यूट GNP एट फैक्टर कॉस्ट एंड वी ऑल्सो हैव टू कंप्यूट NDP एट मार्केट प्राइस, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट market price, and gross national product at factor cost. So first of all, we need to compute GDP at market price, right? GDP at market price. This is via the expenditure method. So GDP at market price kya hota hai? It is C plus I plus G plus X minus M. The simple formula, C plus I plus G plus X minus M. Now if you see consumption over here, to personal consumption expenditure diya hai, this is C. इन्वेस्टमेंट्स के यहाँ पे चार कंपोनेंट्स है. देखो, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक कंपोनेंट हो गया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अगेन अनदर कंपोनेंट, देन वी हैव ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट अनदर कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अनदर कंपोनेंट. सो फोर कंपोनेंट्स को मिला के आपका जो है ये आई आ जाएगा. जी की अगर हम बात करें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया है, ये जी हो गया. सो आई इज दिस एंड ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और जी भी आपको मिल गया यहाँ पे. नाउ कमिंग टू एक्स माइनस एम, तो एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स हो गया. वेर इज एक्स? वी हैव एक्स हियर, एंड एम मीन्स इम्पोर्ट्स, सो वी हैव एम. तो इससे हमारा निकल गया GDP एट मार्केट प्राइस. अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है GNP एट फैक्टर कॉस्ट. तो सबसे पहले तो इस डी को हमें कन्वर्ट करना है एन में.
तो डी और एन में क्या डिफरेंस होता है? डी मींस डोमेस्टिक, एन मींस नेशनल. सो द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम इस जीडीपी में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए जो कि यहाँ पे दिया है, इसको हम कर देते हैं ऐड. सिंस ये नेगेटिव में है तो ये अल्टीमेटली लेस हो जाएगा, बट एनीवे इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो होगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू, आपको इस मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है टू फैक्टर कॉस्ट. तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में गाइस क्या डिफरेंस होते हैं? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का. लेट मी शो यू, मार्केट प्राइस इज नथिंग बट योर फैक्टर कॉस्ट प्लस योर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस द सब्सिडीज दैट यू हैव रिसीव्ड. इसी को हम मिला के बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एनआईटी, राइट? तो अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, हमारे पास सब्सिडीज है. तो हमको मार्केट प्राइस को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट प्राइस में सब्सिडीज को ऐड करना पड़ेगा. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस द सब्सिडीज यू गेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. इज इट क्लियर? सो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारा निकल गया. नाउ यू हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट एनडीपी एट मार्केट प्राइस. सो गाइज वी ऑलरेडी हैड कंप्यूटेड जीडीपी एट मार्केट प्राइस. अब आपको इसी जीडीपी एट मार्केट प्राइस को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है. तो जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए द डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो इस क्वेश्चन में है डेप्रिसिएशन, इसको लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस. सो दिस वॉज अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट. नाउ आपको इसको प्रेजेंट कैसे करना है, आपको ये सारों को ठीक से फॉर्मूलाज लिखना होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, देन एक एक स्टेप वाइज. लाइक स्टेप वन इज कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यू कैलकुलेट दैट. स्टेप टू इज कैलकुलेशन ऑफ जी एन पी एट मार्केट प्राइस, उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करो, देन यू कंप्यूट जी एन पी एट मार्केट प्राइस. ऐसे कर करके एक एक स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना है, पूरा स्टेप्स आपको शो करना है, राइट? सो दिस वॉज अ सिंपल 5 मार्क क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज देयर अ नीड फॉर द गवर्नमेंट टू रिसॉर्ट टू रिसोर्स एलोकेशन. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम योर पब्लिक फाइनेंस चैप्टर, फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फिस्कल फंक्शंस, राइट? गवर्नमेंट की तीन फंक्शंस होते हैं, रिसोर्स फंक्शन, रिसोर्स एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड द स्टेबिलाइजेशन फंक्शन. तो क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट को रिसोर्स एलोकेशन क्यों करना पड़ता है? तो सिंपल आंसर है कि इफ द गवर्नमेंट डज नॉट रिसोर्ट टू रिसोर्स एलोकेशन, इफ एवरीथिंग इज लेफ्ट टू द प्राइवेट फर्म्स, देन दे विल नॉट बी एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कलेक्टिव गुड्स. वो सिर्फ प्राइवेट गुड्स बनाएंगे जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े. तो अल्टीमेटली क्या होगा, देयर विल बी ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड अंडर प्रोडक्शन of certain goods which will result in inefficiency in the resource allocation. So government has to intervene and conduct the resource allocation function, right? Next question again of 2 marks, why is the central bank referred to as the banker's bank? So ye aapka monetary policy se पॉलिसी चैप्टर से क्वेश्चन है, यूनिट से क्वेश्चन है. इसमें आपको एक्चुअली एलएएफ के बारे में लिखना था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक टू द कमर्शियल बैंक्स. व्हाई? जैसे हमारे पास अगर हमें कभी पैसों की जरूरत होती है, वी नीड लोन, वी गो टू द कमर्शियल बैंक्स. नाउ व्हाट इफ द कमर्शियल बैंक्स हैव स्केर्सिटी ऑफ फंड्स और दे आर फेसिंग इल लिक्विडिटी, व्हाट इन दैट केस दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक. दैट इज व्हाई सेंट्रल बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक. सेंट्रल बैंक ही अपना फंक्शन कैसे यू नो परफॉर्म करता है, थ्रू द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बाय ऑपरेशन ऑफ द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट्स. सो दिस यू हैड टू राइट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दैट व्हेन कमर्शियल बैंक्स आर फेसिंग इल लिक्विडिटी, दे आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स और मे बी एक्सेस ऑफ फंड्स, दे वॉन्ट टू पार्क देयर एक्सेस फंड्स, दे गो टू द सेंट्रल बैंक, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज गिवन बाय डेविड रिकार्डो. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर. इसमें डेविड रिकार्डो ने बोला कि से देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पे दो कंट्रीज हैं और दो कमोडिटीज हैं, ठीक है? अभी ऐसा है कि एक कंट्री एफिशिएंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ दी कमोडिटीज एंड कंपेयर्ड टू दिस पर्टिकुलर कंट्री, से कंट्री ए, द अदर कंट्री इज इनएफिशिएंट इन बोथ दी कमोडिटीज. जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या होता था, एक कंट्री एक कमोडिटी में स्पेशलाइज्ड है, दूसरी कंट्री दूसरी कमोडिटी में स्पेशलाइज्ड है. बट कंपेरेटिव एडवांटेज में क्या है कि एक कंट्री
दोनों कमोडिटीज में स्पेशलाइज्ड है और दूसरी कंट्री दोनों में ही डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है, तो क्या इस केस में इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है? सो डेविड रिकार्डो सेड दैट यस, इवन इन दिस केस इंटरनेशनल ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड इज पॉसिबल. हाउ? द कंट्री विच इज इनएफिशियंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज should engage in the production of that commodity जिसमें उसका absolute disadvantage कम है, ठीक है, और उसको वो commodity import कर लेनी चाहिए जिसमें उसका absolute disadvantage, जो cost disadvantage है, वो high है, right? तो आपको यही लिखना था इसमें, एक numerical example के साथ आप explain भी कर सकते हो. Next question is, what will be the total credit created by the commercial bank system for an initial deposit of rupees 3000 at required reserve ratio of 0.05 and 0.08? आपको इसमें credit multiplier को भी compute करना है, तो ये भी आपका money supply unit से question है, right? तो जो credit created है, total credit created की अगर हम बात करें, credit created is initial deposit. Initial deposit into your credit multiplier, ठीक है, तो initial deposit यहाँ पे 3000 है और credit multiplier क्या होता है, 1/reserve required reserve ratio, तो यहाँ पे अगर हम 0.05 को लेके बात करें तो 3000 into 1/0.05, ठीक है, वैसे ही आपको 0.08 से भी compute करना होगा, 3000 इंटू 1/0.08, तो ये आपका आ गया टोटल क्रेडिट क्रिएटेड. और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 1/रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, तो आप उससे 1/0.05 से क्रेडिट मल्टीप्लायर को भी निकाल सकते हो, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी. एक बहुत थियोरिटिकल क्वेश्चन है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बुक से, फिस्कल पॉलिसी चैप्टर से, क्या लिमिटेशंस है फिस्कल पॉलिसी की. तो उसमें कई सारे लिमिटेशंस जैसे आपको दिए थे, कई देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ लैग्स, से द रिकॉग्निशन लैग, या हो गया आपका डिसीजन लैग, पॉलिसी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कैसी इंप्लीमेंट करनी है, देन द इम्पैक्ट लैग, द इम्प्लीमेंटेशन लैग, यू आर नॉट बींग एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी प्रॉपरली, राइट. सो दीज वर सर्टन काइंड ऑफ लैग्स. उसके बाद द पॉलिसी माइट नॉट बी प्रॉपरली टाइम्ड. से फॉर एग्जाम्पल, कंट्री में ऑलरेडी कंट्री एक्सपेंशनरी फेज में, ठीक है, उस केस में आप कंट्री ऑलरेडी बूम फेज में और आप एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आ गए, तो क्या होगा, और प्राइसिस की लेवल बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, एवरीथिंग विल इंक्रीज मोर, एक्सपैंड मोर, सो द फिस्कल पॉलिसी माइट बी बैडली टाइम्ड ऑल्सो. Another disadvantage is forecasting the changes required is very difficult. Financial forecasting बहुत difficult हो जाती है. और एक disadvantage ये हो सकता है कि you know government expenditure को cut करना in certain areas, for example national security, defense, in areas में government expenditure को cut down करना becomes very difficult. So these are certain limitations of fiscal policy. 3 marks का है तो I think आपको 6 points लिखने चाहिए, उसमें कई सारे points थे if you check out in your book. Then the next question is, what are the conceptual difficulties in the measurement of national income? Again a theoretical question, straight forward question है आपके book से, national income के chapter से, first जो unit है आपका उसी से question है. इसमें बस एक चीज़ जो मुझे लगता है students गलती कर सकते हैं, question है what are the conceptual difficulties in measurement, तो उसके दो parts थे, एक था limitations of national income और दूसरा उसमें conceptual difficulties भी थी और other challenges भी थे, तो आपको conceptual difficulties वाला part ही लिखना था. तो क्या conceptual difficulties हैं? First of all, there is no settled definition of national income, no fixed definition of national income, then it is very difficult to distinguish between the final goods and the intermediate goods, services of durable goods, then valuation of government services, jise hum C+I+G karte hain. Now what, how do you value this G? It is conceptually difficult to do all this. So these are certain conceptual difficulties. Next question is, how does international trade increase economic efficiency? तो ये भी आपका बुक से ही एक क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिया उसका पहला ही पॉइंट इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बारे में है, जहाँ पे बोला है कि इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या होता है, इकोनॉमी का एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाता है. कैसे? जब हम बाहर के लोगों के साथ ट्रेड करते हैं तो बाहर के इंपोर्टर्स आके हमारे यहाँ पर गुड्स सेल कर रहे हैं, राइट, उनके प्रोडक्ट से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कंपीट कर रही है, सो दीज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो यू नो एनकरेज्ड टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज या फिर कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे, जिससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, तो उनके प्रोडक्ट ज़्यादा कंपेटिटिव हो सकें. तो कॉम्पिटिशन से क्या है, इकोनॉमिक एफिशियंसी बढ़ जाती है, हमारे यहाँ पर इनोवेशन लाने की लोगों में जिज्ञासा बढ़ जाती है, राइट. सो दिस इज हाउ द ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशियंसी इंक्रीजेज. ऑल्सो वी कैन यू नो ऑब्टेन द सीक द इकोनॉमी of
large scale ka benefits. So all these are, all this is how economic efficiency increases. Next question is, what is meant by expansionary fiscal policy? Under what circumstance do the government pursue expansionary fiscal policy? So expansionary fiscal policy is a kind of fiscal policy, is a type of fiscal policy which is aimed at increasing the level of national output, the production levels, the aggregate demand, the price level, theek hai, inko badhane ke liye, to increase, to expand, naam se hi samajh mein aa raha hai, expansionary, to expand karne ke liye jo policy use hoti hai, that is the fiscal policy, expansionary fiscal policy. Kaise circumstance mein government expansionary fiscal policy leke aayegi? When the economy is in recession, when we are facing a recessionary gap, us samay government ek expansionary fiscal policy leke aayegi to close this recessionary gap. So these terms, guys, you have to use, the level of aggregate economic activity, inflation, employment level, then this recessionary gap ko close karna, ye sab terms aapko exam mein use karne honge. Otherwise explanation expansionary fiscal policy ka sabko aata hai, theek hai, but these keywords you have to use in the exam, right? Next, a very simple question. Money has four functions: a medium, a measure, a standard and a store. So aapko basically ye money chapter se hi question hai. In fact, money chapter ka jo pehla topic hai, functions of money, usi se question hai. So aapko ye charo functions ke upar thoda sa short note type ka likhna hai. Next question is, when investment in an economy increases from rupees 10,000 crores to rupees 14,000 crores, and as a result of this, national income increases from rupees 80,000 crores to rupees 92,000 crores, compute the investment multiplier. So we had to compute the investment multiplier when I increases from 10,000 to 14,000, your national income or the output increases from 80,000 to 92,000. So investment multiplier, guys, kya hota hai? K se denote karte hain investment multiplier ko. Investment multiplier is change in national income, change in the national income due to change in the level of investment. So basically change in investment agar hum dekhe to wo hai 4,000 rupees, and change in national income is 92,000 minus 80,000, that is 12,000 rupees. So basically K is nothing but delta Y, that is change in national income or output, divided by delta I. Delta Y divided by delta I, that is over here if we see delta Y, change in income kitna hai? Dekho, change in national income aapka 12,000 rupees hai, or change in investment is 4,000 rupees. So your investment multiplier becomes 3. Right? Simple question tha, aapko formula likhna tha. Ye main aim ki aapko formula likhna hai, formula ki explanation bhi aapko deni chahiye. Like, what do you denote by delta Y? It is change in national income. What is delta I? It is change in the level of investment. To ye karke aapko calculation show karna tha. Theek hai? Next question, describe the determinants of demand for money as identified by Milton Friedman in his restatement of the quantity theory of demand for money. To money demand ka jo unit hai, jisme theories of money demand di gayi hai, usme towards the last Milton Friedman ki theory thi, theory of the restatement of quantity theory. तो इसमें उन्होंने बोला कि जो money demand है वो चार चीजों पर depend करता है. There are four determinants to determine the demand of money. वो क्या क्या determinants है? सबसे पहला है the level of wealth, the total wealth of individuals. ठीक है, जो total wealth है वो क्या होती है? Whatever your permanent income, जो भी आप फ्यूचर में बहुत सारे इयर्स में कमाने वाले हो, उसको डिस्काउंट करके अगर हम आज लेके आ जाएं, तो दैट बिकम्स योर टोटल वेल्थ. सो फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ मनी डिमांड इज द टोटल वेल्थ. नेक्स्ट इज द प्राइस लेवल. तो मनी डिमांड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्राइस लेवल. नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में, तो लोग मनी को ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि उनको खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए ना. इफ द प्राइस लेवल, इफ द इन्फ्लेशन लेवल इज वेरी हाई, देन यू हैव टू पे मोर टू परचेज अ पर्टिकुलर गुड्स और टू परचेज अ कमोडिटी, then the money demand increases. And the last determinant is opportunity cost of holding money. If the opportunity cost of holding money increases, मतलब अगर मैं कुछ hold करके रख रही हूँ और opportunity cost उसका है interest, अगर वो interest की rate बढ़ गई तो money का demand कम हो जाएगा. अगर वो interest की rate कम है, if the opportunity cost of my holding money is less, then I will prefer holding money in my hand, right? So these were the four determinants. So यहाँ पे चार determinants थे of determining the money demand. Next is, what is meant by mixed tariff?
क्वेश्चन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, मिक्स टैरिफ क्या होते हैं? तो मिक्स टैरिफ इज आइदर एन एड वैलोरम टैरिफ और अ स्पेसिफिक टैरिफ, स्पेसिफिक ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल, द ड्यूटी, द टैरिफ माइट बी से ₹3,000 पर के जी. अगर किसी भी चीज़ कॉटन की हम बात करेगा, 3,000 पर के जी और 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड, विच एवर इज लोअर. तो इससे क्या होगा, एक एड वैलोरम जो परसेंटेज बेसिस पे है, जो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी आ गया. और एक फिक्स्ड, एक स्पेसिफिक ड्यूटी ₹3,000 पर केजी और पर यूनिट, ये भी आ गया. सो दिस इज मिक्स टैरिफ, आइदर एड वैलोरम टैरिफ और दी स्पेसिफिक टैरिफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूजिंग सूटेबल डायग्राम एक्सप्लेन हाउ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज इज डिटर्मिंड. सो फर्स्ट यू नीड टू राइट वॉट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट. नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग चेंजेस इन द रिलेटिव प्राइसेज. अगर आप चेंज को कंसिडर ना करो, उससे उसको कंसिडर करने के पहले जो एक्सचेंज रेट आती है, डैट इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट. एंड वंस यू टेक इन टू अकाउंट द चेंजेस इन द रिलेटिव फॉरन एक्सचेंज रेट्स, फॉरन द प्राइसेज ऑफ द करेंसी, देन इट बिकम्स द रियल एक्सचेंज रेट, राइट. तो कैसे डिटर्मिन होती है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, आपको पता होगा डायग्राम इसका सिंपल सा है. जैसा आपका नॉर्मल डिमांड सप्लाई का डायग्राम होता है, दिस इज द एक्सचेंज रेट से रुपी पर डॉलर, एंड दिस इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. ये आपका डिमांड कर्व हो गया, एंड दिस इज द सप्लाई कर्व. दिस बिकम्स द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दिस बिकम्स द एक्सचेंज रेट E1. सो दिस इज हाउ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिंड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ द फॉरेन करेंसीज, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज मेंट बाई क्वासी पब्लिक गुड्स. तो क्वासी पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें प्राइवेट गुड्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और पब्लिक गुड्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में प्राइवेट गुड्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और पब्लिक गुड्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. यू कैन एक्सक्लूड अ पर्सन फ्रॉम कमिंग टू द क्लास बाई चार्जिंग अ फी, राइट, बट देन यू डोंट वॉन्ट टू एक्सक्लूड द पर्सन. वाई? बिकॉज एजुकेशन इज सोशली डिजायरेबल, ठीक है, ये एक पब्लिक गुड है, आप इसका एक्सेस सबको देना चाहते हो, सो इट इज सोशली डिजायरेबल. बट अगेन प्राइवेट गुड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि आप फीस चार्ज करके यू कैन एक्सक्लूड द पर्सन फ्रॉम यूजिंग द सर्विस, राइट. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ क्वासी पब्लिक गुड. इसका डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इट इज दीज गुड्स पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड्स एंड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स ऑल्सो, राइट. देन द लास्ट क्वेश्चन इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई. आपके लास्ट चैप्टर से जो इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज है, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज, उससे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई. तो आपके बुक में भी एक टेबल दिया हुआ है एफडीआई एफपीआई का क्या डिफरेंस है. फर्स्ट इफ वी टॉक, एफडीआई क्रिएट्स द फिजिकल असेट्स एंड एफपीआई क्रिएट्स फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है. एफ डी आई इज नॉट स्पेक्युलेटिव इन नेचर, एफ पी आई इज जनरली स्पेक्युलेटिव इन नेचर. लोग अपना पैसा शेयर्स में लगाना चाहते हैं, एफ डी आई में लोग प्लांट बिठा रहे हैं, फॉरेनर्स आके इंडिया में प्लांट बिठा रहे हैं या इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको अक्वायर कर रहे हैं मे बी, दैट इज एफ डी आई. बट एफ पी आई में फॉरेनर्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे आर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स ऑफ आर कंपनीज, ऑफ आर इंडियन कंपनीज. अगेन एफ डी आई इज वेरी डिफिकल्ट टू विदड्रॉ, FPI is easier to withdraw. FDI में the investor wants significant control in the ownership of the company, but FPI में no such control is required by the investor. FDI में you can influence the management to a certain degree, but in case of FPI, no such influence is possible, no such significant influence on the management is possible. So you should write this answer in a table format, you know, FDI, FPI का difference जो है, paragraph में नहीं लिख के आपको table format में लिखना चाहिए. So yeah, this is all about the paper. In case you have any doubts, you can write in the comment section below. And please do share it with your friends. आपको जिनको भी लगे कि इस वीडियो से हेल्प हो सकती है, please share it and give it a thumbs up, guys. Bye bye. Thank you. And then thank you so much. And bye bye. Thank you so much.